बीजेवाईएम सिटी सदर नितिन नंदकर ने कहा है कि पुलिस ने मुझे आज सुबह उस वक्त घर पर गिरफ्तार कर लिया जब बीजेवाईएम फायदीन हालिया वेबसाइट हैकिंग और सवालिया पर्चे लीक होने के खिलाफ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस हैदराबाद में एहतजाज कर रहे थे। भारत माता की जय, जय सियाराम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट भानु प्रकाश जी के नेतृत्व में टीएसपीएस के पास आज सुबह एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें आज सुबह सुबह अफजलगंज पुलिस स्टेशन द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई बड़ी तादाद में आज टीएसपीएस के पास धरना प्रदर्शन को सफल करने का काम किया गया। सवाल यह है कि आज जिस तरह से ये जो पेपर लीक हुआ एग्जाम से पहले, तेलंगाना की जनता, तेलंगाना के युवा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और एजुकेशन मिनिस्टर से ये पूछना चाहते हैं कि आप एक पेपर को सिक्योर नहीं रख सकते तो तेलंगाना के युवाओं का भविष्य किस तरह से आप आपके हाथ से छोड़ रहे, ये पूरी जनता देख रही है। जिस तरह से आज धरना प्रदर्शन हुआ है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से यह मांग है कि जल्द से जल्द जो भी लोग इस पेपर को लीक करने में अपना योगदान दिया है उन तमाम लोगों को कार्रवाई कर जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए और टीएसपीएस के जो चेयरमैन है उनको भी सस्पेंड करना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा भारी तादाद में फिर से धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम किया जाएगा। आज देख सकते हैं कि एमसेट के एग्जाम के वक्त इसी तरह से कल का पेपर जो हुआ एग्जाम से पहले लीक, केजी टू पीजी इसमें पूरा फेल, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो बात तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव करते, आज तेलंगाना के पूरे युवाओं का भविष्य खराब करने का काम तेलंगाना की सरकार कर रही है। आज ग्रेजुएशन करके हो, डिग्री हो, बीकॉम हो, इतना पढ़कर भी आज तेलंगाना का युवा स्विगी, जोमैटो, रैपिडो ऐसे वेबसाइट पर जाकर ऐसे ऐप के द्वारा काम करने का काम कर रहे। तेलंगाना के युवा तेलंगाना की सरकार को आने वाले 2023 के इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देकर इनको लात से मारकर हकाल देगी और जिस तरह से जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की पार्टी की सरकार आएगी और तेलंगाना की जो भविष्य का जो सवाल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम सफल करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय तेलंगाना।